రంజాన్ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది హలీం. అందులో పిస్తా హలీం చాలా ఫేమస్. దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచానికి మొత్తం పిస్తా హౌస్ హలీం అందరికీ అందిస్తుంది. ఇదే విషయం మనతో పాటు మాట్లాడడానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పిస్తా హలీం మొహమ్మద్ మోదీస్ అలీ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన మాటల్లోనే ఈ పిస్తా హౌస్ హలీం గురించి తెలుసుకుందాం. मेरा नाम मोहदीस अली है. मैं पिस्ता हाउस के ओनर का जो है बेटा हूँ. आज हम पिस्ता हाउस हलीम की जो है शूटिंग हम जो करने वाले हैं, तो हम मैं आपको जो है बताऊँगा कि पिस्ता हाउस हलीम जो है कैसा जो है बनती, जैसे हमारी स्पेशलिटी क्या है. पिस्ता हाउस को आज ये साल 25 ईयर्स हुए, तो हम लोग की 25 ईयर्स की हम लोग की स्टार्टिंग है. पिस्ता हाउस एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1997 में. फिर पिस्ता हाउस जब स्टार्ट हुआ वो जो है सिर्फ एक बेकरी शॉप था. फिर उसके बाद मेरे फादर जो है उन्होंने फिर उसको जो है एक स्वीट शॉप करे. फिर उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड करते गए. 2001 में हम लोग हलीम जो है लॉन्च करें. 2001 से हम लोग हलीम अभी तक कर रहे हैं. तो अभी हम लोग हमारे मतलब हम हैदराबाद में हम सबसे ज़्यादा हलीम हम लोग ही बेचते हैं. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हलीम हम लोग ही बेचते हैं. तो हम लोग का एक टैगलाइन भी है कि वी आर द लार्जेस्ट हलीम सेलर इन द वर्ल्ड. हलीम जो है पहले हैदराबाद में थी, वो जो है कम जो है थोड़ा लोग ज़्यादा पहचानते नहीं थे हलीम क्या है क्या है, लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था. मेरे फादर बहुत से चीज़ें करे, बहुत से इसमें रेसिपी चेंज करे, बहुत से जो है इसमें रिसर्च करके R&D करके इसमें बहुत सी जो है मेरे फादर की जो मेहनत है जो ये कम्प्लीट डिश को चेंज करके इसको जो एक नई डिश बनाए और इसको ऑल ओवर वर्ल्ड इसको जो है पहुँचाए. इसको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो है एक जो स्टेटस इसको दिलाए. इसका उसको जो है ISO सर्टिफिकेट जो है दिलाए. इसमें बताइए आप कोसे कोसे कंट्री को इधर से पार्सल करते हैं? हम लोग के जो है 6 ब्रांचेज US में ऑलरेडी है. न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, डैलस में, कैलिफोर्निया में हम लोग ऑलरेडी ब्रांचेज है. हम लोग की ओमान में हमारा आ रहा, दुबई हमारा जो है हमारा जा रहा हलीम. सर अभी इधर मुस्लिम कंट्रीज देख ली तो उधर किधर? हमारा जो है दुबई में जो है आ रहा, हमारा जो है बहुत बड़ा जो है एक रेस्टोरेंट ऑफ चेंज जो है दुबई में हमारा जो है आ रहा. सर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को रोज़ यहाँ से हलीम जाता बोल के सुनने में, वो कहाँ तक सच? जी बहुत से बॉलीवुड सुपरस्टार्स हलीम मंगाते हैं लेकिन नेम जो है डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से जो मंगाते हैं. भाई इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जरा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? हलीम एक्चुअली बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है हलीम के अंदर. तो उसमें जो है मीट है, वीट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस है, अराउंड 25 के ऊपर ज़्यादा स्पाइसेस है. आप अगर हलीम में देखें तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, प्रोटीन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है हेल्थ के लिए भी. तो हलीम के लिए जो है स्पेशल जो जो इंग्रेडिएंट है जो जिसको स्पाइसेस हम बोलते हैं, इलायची है, हमारे जो दालचीनी है, शाहजीरा है, जीरा है, लौंग है, ऐसे जो हाई जो है वैल्यू इंग्रेडिएंट्स है ये जो जो है प्योर घी हम लोग जो यूज़ करते हैं हलीम में. सर लास्ट 2 ईयर्स देख लिए तो कोरोना के वजह से मार्केट पूरा वो था. लास्ट ईयर खाली पार्सल मिला. गए साल को ये साल को रेट में फ़र्क है और सेलिंग में कैसा है? पिछले 2 साल जो है कोविड था तो लोग ज़्यादा घर से फ्रीली निकल नहीं सके. लोग ज़्यादा लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने में लोग ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सके. अब ये साल जो कि कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं है, अभी लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर निकल के एंजॉय कर रहे हैं हलीम फैमिली के साथ. और कि हॉलीडेज भी चल रहे हैं स्कूल्स के, तो जो है बहुत लोग ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं रात में. और समर जो है चल रहे हैं यहाँ पे, तो लोग ज़्यादातर रात में ही निकल रहे हैं बाहर. और सेल जगह का तो हलीम जो है लास्ट ईयर जो हलीम का रेट था, ये साल थोड़ा हलीम का रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि एक साल में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए. घी में रेट बढ़ गए, ऑयल में रेट बढ़ गए, हर चीज़ में रेट बढ़ गए. अब जो है हम जो ऑयल हम लेते थे वो ऑयल में डबल जो है प्राइसेस हो गए. मटन के रेट्स बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए. तो उसके वजह से हमको भी जो है रेट जो है बढ़ाना पड़ा हमको खाली में. सर तेलंगाना में ओवरऑल ब्रांचेस कितने हैं? हैदराबाद में स्पेशली कितने ब्रांचेस हैं? हैदराबाद में हमारे खुद के ब्रांचेस 30 है, इसमें हलीम आपको मिलती है. और एक्स्ट्रा ब्रांचेस 7 है जहाँ पे हलीम आपको मिलती है. तो अराउंड हैदराबाद आप देखें तो 100 हैदराबाद का रेडियस अराउंड 100 किलोमीटर्स है. तो आपको एवरी 5 किलोमीटर से आपको पिस्ता हाउस का एक जो है स्पॉट आपको जो है मिल जाता है जहाँ से आप हलीम आप जो है ले सकते हैं. 2019 का टर्नओवर क्या था हलीम का बिफोर कोविड? टर्नओवर मतलब अच्छा जो है सेल था. हम लोग सबसे ज़्यादा हलीम जो है बेचा हैदराबाद में. अभी कुछ न्यू कंट्रीज को लॉन्च करने का इरादा है नेक्स्ट ईयर? हम लोग जो है ये ईयर हम लोग जो है कुछ अच्छे जो है नए कंट्रीज हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं. एक हमारी जो है प्लान हमारा बना हुआ है इंशाल्लाह. सर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताइए, ये कहाँ से लाते हैं आप? ये इंग्रेडिएंट जो है हाई जो है अच्छे जो है वैल्यू के हैं, जो ओरिजिन जहाँ जहाँ से कंट्री से करते हैं.
थोड़े जो है कश्मीर के हैं, थोड़े जो है दूसरे कंट्रीज के हैं, तो वहाँ से जो है हम जो इम्पोर्ट जो है करते हैं। पूरे कितने वर्कर्स काम करते हैं सर ये हलीम के लिए? ऑफिशियली वर्कर्स तो जो है अनऑफिशियली अगर देखेंगे आप वर्कर्स तो अराउंड जो है 3000 वर्कर्स हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है हलीम की वजह से। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इधर सराउंडिंग पूरा ये 3 शिफ्ट चले सर का दिख रहा है, करेक्ट है? हलीम का जो है हलीम एक्चुअली बनने का प्रोसीजर जो है 10 आवर्स का है, फिर हलीम बेचने का प्रोसीजर जो 12 आवर्स का है, तो ऑल ओवर जो है बोला ऑल ओवर द क्लॉक जो है काम उसका चलते रहता। आधा टाइम हलीम बनती, आधा टाइम हलीम जो है सेल होती, तो 3 शिफ्ट में जो है काम जो है होता। जो लोग थोड़े लोग हलीम बनाते, थोड़े लोग हलीम पैक करते, थोड़े लोग हलीम बेचते, तो ये 3 शिफ्ट में जो है उसका जो काम जो है चलता है हलीम का। सर कुछ मैसेज यूथ के लिए, हलीम पसंदीदा लोग जो खाने के लजीज है उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? पिस्ता हाउस क्या है, पिस्ता हाउस जो कस्टमर्स की वजह से ही हम लोग जो है आज ये सिचुएशन पे है जी। हमको जो है लोग हमको जो इतना प्यार करें, हमारी हलीम को इतना जो है लोग जो है चाहें। हम हमेशा जो है हम यही चाहें कि हम अच्छी क्वालिटी हम जो देंगे कस्टमर्स को, हम हमेशा जो है हमेशा खुश रखेंगे कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स है तो ही हम हैं। यूज के लिए ये है कि भाई हलीम बहुत ज़्यादा अच्छी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें। अब नॉर्मली अगर आप कोई अगर कोई चीज़ अगर जो है अगर कोई हार्मफुल अगर चीज़ कर रहे हैं तो वो भी जो है सेम वैल्यू में है, लेकिन हलीम आपको जो है अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ है आपको हलीम, और आपको जो अच्छे जो है प्राइस में आपको है। थैंक यू सर। दादापु 37 ब्रांचलु हैदराबाद మొత్తంలో ఉన్నాయి అంటున్నా MD, ప్రతి 5 కిలోమీటర్ కి హలీం అవైలబుల్ అంటున్నా పిస్తా హౌస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ మహేష్ తో కరీం, ప్రఖ్యాత మీడియా హైదరాబాద్। सर इसके प्राइजेस बताइए जी। ये जो पैक है ये फुल प्लेट हलीम का पैक है, इसका जो है प्राइस जो है 249 रुपीज़ है। इसमें जो है सिंगल आदमी जो है खाना खा सकते हैं। ये हमारा स्पेशल पैक है, इसको जो है मिनी पैक हम जो है बोलते हैं। ये मिनी पैक में 3 से 4 लोग खा सकते हैं। इसका प्राइस जो है 720 रुपीज़ है। ये फैमिली पैक है, ये जो है अच्छी फैमिली मतलब फैमिली के लिए, जो बड़ी फैमिली है उनके लिए है ये। इसमें 5 से जो है 6 लोग खा सकते हैं। इसका प्राइस जो है 990 रुपीज़ जिसका है। ये हम लोग जो है एक जम्बो पैक बोल करके निकाले हैं, इसमें जो है अराउंड 18 से 20 लोग खा सकते हैं। इसका प्राइस जो है 3300 रुपीज़ इसका है प्राइस है। ये हमारा जो है दावत पैक है, जिसके घर में जो छोटी गेट टुगेदरिंग है, अराउंड 25-30 लोगों की गेट टुगेदरिंग है, तो ये उसके लिए है। ये उसका जो है पैक है, इसका प्राइस 6200 रुपीज़ है। इसमें अराउंड 25-30 लोग खा सकते हैं इसमें। वंडरफुल सर, वंडरफुल। जितने वेज के बारे में, ये हमारा जो वेज हलीम में हम स्पेशली जो है जो वेजिटेरियन कस्टमर है उनके लिए वेज हलीम भी हम जो बनाते हैं, तो वेज हलीम भी हम जो है सर्व करते हैं। उसका प्राइस भी जो है 249 रुपीज़ है। उसमें ड्राई फ्रूट्स है, उसमें बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स है इंक्लूड हम जो करते हैं।